हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मैं सपना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग सपना में। और बहुत दिनों से आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये वीडियो बनाइए, इसका वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा मैं उस पर बना देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए, तो उसके मैं बना रही हूँ। बीच में मेरा एक हफ्ते तक वीडियो बंद था, उसके लिए भी कुछ रीज़न था, जिसके लिए मैं लाइव आऊँगी तो आप लोग को बताऊँगी कि क्या रीज़न था। तो चलिए मैं चल रही हूँ हेयर वॉश करने। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती, मैं हालत ख़राब है गर्मी से, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और उसमें भी हेयर वॉश करना फिर कंघी करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब लिमिट क्रॉस है। मैंने कल ऑयल लगाया था अपने बालों में, तो मैंने सोचा कि मैं जो है कर लिया अपने बालों को हेयर वॉश। आप लोग वीडियो में बढ़िया देखा, मैंने चोटी खोल ली है और पहले मैं बालों को इसलिए ऐसे करती हूँ ना कि जो बाल उलझे रहते हैं ना वो कम से कम जो है सही हो जाते हैं, नहीं तो फिर अगर आप डायरेक्ट पानी डाल देंगे ना तो जो बाल उलझे रहते हैं वो सही नहीं हो पाते, सीधे नहीं हो पाते। ऐसे करने के लिए यहाँ पर है ना, देखिए मैंने बोला था ना जो ऐसे ऐसे बाल रहते हैं ऐसे ऐसे कर देंगे तो वो जो उलझे बाल है वो सुलझ जाएंगे। हेयर वॉश करने से पहले ऐसे ज़रूर करिए ताकि आपके बाल जो है सही हो जाए और आपको कमी नहीं करने में कोई दिक्कत ना। चलिए पहले मैं अपने बालों को क्या करूँगी बता दो, पहले मैं अपने बालों को भिगाऊंगी। तो भिगाते हैं अपने बालों को पहले, आप लोगों को यह आवाज़ चाहिए होता है अभी मैं पानी पिलाऊंगी ना बहुत तेज आवाज़ जाएगी फिर आप लोगों के पास, क्या करो अपने बालों में। आप लोग बोलती हूँ मैं अपने बालों में शैम्पू बोल के ही लगाती हूँ, मैं कभी ऐसे करके शैम्पू नहीं लगाती हूँ। क्योंकि मेरे इतने लंबे बाल हैं ना, जब मैं शैम्पू बोलूँगी तब तक वो अच्छे से गिनेंगे नहीं, और मुझे पता भी नहीं चल मैंने कितना शैम्पू लगाया। देखिए एक बार में ये नहीं छूटा, कितना ज़्यादा पानी लग रहा है और मैं इसको धोऊंगी अभी। इसे वीडियो का तो बंद कर दी, क्योंकि पानी भरना है, पानी का भी जो ना वॉइस आई थी बहुत, थोड़ा पानी तो भर गया। और आपको देखिए मैं कितने बार अपने बालों में शैम्पू लगाऊंगी कि मेरे बाल नहीं खुलेंगे, मैं दूसरी बार लगा रही हूँ। अच्छा मैंने अपने बालों से पकड़ के रखा था क्योंकि पानी नहीं था। ऐसे क्या होता है वैसे बाल करने से सारे बाल जो है जल्दी जो है साफ हो जाते हैं। और आप लोग को पता है ये लंबे बाल हैं तो फिर ऐसे तो होंगे नहीं। देखिए मेरे इतने लंबे बाल हैं, फिर मैं दो शैम्पू में वो किया और मैं अगली वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग को बताऊंगी कि मैंने कितना शैम्पू किया, कैसे क्या किया। देखिए और ये क्लीन हो गया, ज़्यादा शैम्पू भी नहीं लगता, इससे होता है लोग बोलते लंबे बालों के भी शैम्पू जो है ज़्यादा यूज होते होंगे। शैम्पू होता है इसलिए मुझे हाथों से पानी निकालना पड़ा है। देखिए कितना गंदा लग रहा है, अभी आपके बाल साफ नहीं है, साफ नहीं कर सकते। बालों को जब भी धोए ना तो साफ धोए, अच्छे से धोए। बहुत लोग होते हैं जैसे शैम्पू करते हैं बस उसका हो गया, नहीं इसको बालों को अच्छे से धोए जब तक कि बहुत दिन से आप लोग बहुत दिन बातें इसलिए करती हूँ कि आप लोग धो रहे हैं। अभी भी ये बाल जो है साफ नहीं, आप देखिए देखिए अब धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गया है। अभी जो ये साफ नहीं हुआ है मैं आप लोग को दिखा दूँ, आप लोग देखिए अभी चल रहा है। जो ट्राई को भी जाए मैं तो ये रखा ही रहती हूँ, अच्छे
से क्लीन कर लीजिए पानी को। मुझे पानी फिर से लगा, पानी भर गया है। ये बाल छूट चुके हैं क्योंकि जो वाइट बल्ब ये जो झाग आता है ना, ये वाइट बल्ब किया है, इसीलिए नीचे भी आता है वो भी वाइट वाइट है। मेरे बाल जो है अभी साफ हो चुके हैं, जो बचे हुए थे थोड़ा गर लिए हैं। बताओ मैं तो वो करके आप लोगों को देखिए आपके बाल एक जगह हो जाते हैं ना ऐसे झाग लगा के, तो समझ लीजिए आपके बाल जो क्लीन हो चुके हैं। फिर ये जो है ना क्लीन करने के बाद वो भी होते हैं बालों में अच्छे से होंगे। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि $10 हुए या नहीं, क्योंकि इसमें तो $10 दिखाता है YT स्टूडियो में और पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा, भगवान के ऊपर ही मैं बनाती जाती हूँ भगवान
टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।